न्यूज चैनल, मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। इस वक्त हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित जो पराग डेयरी है उस पर पहुंचे हुए हैं, और आज पराग डेयरी में जो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो उनका आगमन हुआ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम वाकायदा पूजा पाठ करने के बाद कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। और हमारे साथ देखिए यहाँ जो गायिका हैं, इस कार्यक्रम की जो गायिका हैं, आइए हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, कहाँ से हैं। सभी को राधे कृष्णा और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और बड़े भाग्य हैं, सौभाग्य है जो हमको यहाँ सेवा मिली और सभी मेरे बड़े यहाँ उपस्थित रहे, और आप सभी ने बहुत प्यार दिया, मेरे भजनों को सुना और सभी ने साथ दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपको दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आपका क्या परिचय है? मैं चंद्रकेतु पूजा बरेली से, और बाबा के, मैया रानी के और बालाजी के जैसी भी सेवा होती है गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो हमको सेवा मिली है, ये पराग डेयरी में। और वैसे आप लोग सभी, आपका प्यार सम्मान बहुत मिला है, यूट्यूब पे भी आप हम लोगों को सुन सकते हैं चंद्रकेतु पूजा बरेली से। और मेरे माननीय ताऊ जी भी यहाँ उपस्थित रहे, बहुत सारे बड़े, सभी का सम्मान, सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, और मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी को। हमारे साथ एक और कलाकार हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करा। ये मैं चंद्रकेतु पूजा बरेली से, जैसा कि आज ये कार्यक्रम जो पराग डेयरी बरेली में हो रहा है, आदरणीय हमारे ताऊ जी माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी भी यहाँ उपस्थित है, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया। और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ये चंद्रकेतु पूजा की ओर से, और हमारे जो कार्यक्रम हैं देश विदेशों में चलते रहते हैं, और सभी का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए एक भैया और भी हमारे साथ, उनसे भी जानते क्या कार्यक्रम था। धन्यवाद वर्मा जी, आज का ये जो कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा थी कि जन्माष्टमी के अवसर पर गौ पूजन किया जाए, तो प्रथम बार पूरे प्रदेश में, चूँकि ये बड़ा सौभाग्य है आंवला क्षेत्र का, बरेली जनपद का, कि जो पशुधन के मंत्री हैं वो भी हमारे क्षेत्र से, आंवला से विधायक आदरणीय धर्मपाल सिंह जी हैं, तो इस तरह का पूरे प्रदेश में आज आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6200 जो पंजीकृत गौशालाएँ, उन गौशालाओं में आज पूजन हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में पराग की जो दुग्ध फैक्ट्री है यहाँ पर, उसमें माननीय मंत्री जी द्वारा आज गौ पूजन किया गया। मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि गौ सेवक के रूप में मैंने अपनी यहाँ पर सेवाएं दी हैं, और इस अवसर पर स्थानीय कलाकार जो राष्ट्रीय फेम है, राष्ट्रीय चेहरा है, चंद्रकेतु जी हैं, पूजा जी हैं, मोनिका जी हैं, उनकी आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति हुई और क्षेत्र के कलाकारों ने सहभागिता की। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पराग दूध फैक्ट्री के GM मनीष जी के लिए कि इन्होंने हम सबको एक सेवक के रूप में आज अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ यहाँ जो हवन पूजन जो कार्यक्रम किया है उसके जो महाराज हैं, आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। देखिए महाराज हमारे साथ हैं, स्वागत है महाराज जी आपका। जी 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 भाई जी, भैया ये गौ पूजन हुआ है माननीय धर्मपाल मंत्री जो हैं उनके द्वारा हुआ है, विधिवत पूजन हुआ है वैदिक मंत्रों के द्वारा, और हमारे जो मंत्री जी हैं गौ सेवक भी हैं, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने विधिवत पूजन किया है। यहाँ के जो जेई साहब हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने विधिवत पूजन किया है, मेरे द्वारा पूजन हुआ है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर। ये गौ जो पूजन रखा गया है इसका बड़ा महत्व होता है महाराज जी। यार आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, आपका परिचय भी जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पंडित नरेश कुमार मिश्रा है, मैं यहीं गणेश नगर में रहता हूँ बरेली में ही, और यहाँ विधिवत पूजन कराता हूँ इसी पराग दूध फैक्ट्री में। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? संदेश ये देना चाहेंगे कि सभी सनातन धर्मियों को गौ माता की पूजा करना चाहिए। गौ माता पशु नहीं है, और गाय का दूध दूध नहीं अमृत है, और ये जो गौ माता हैं इसमें एक देवी वास करती हैं जिनका नाम सुरभि है, और सुरभि का मतलब बहुत सुंदर होता है। गौ माता जिस घर में रहती हैं वहाँ पितृ दोष नहीं लगता है। गौ माता जहाँ होती हैं
वहाँ सभी देवताओं का वास होता है और प्रथम पूजन गणपति के वहाँ भगवान श्री गणेश जी का पूजन हुआ है। उसके बाद माँ गौ माता का पूजन हुआ है। गौ माता के पूजन से घर में दलिद्रता नहीं रहती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, भगवान शिव की कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण गौ प्रेमी हैं और इनके द्वारा आज जन्माष्टमी पे गौ पूजन जो रखा गया है इसका बड़ा महत्व है। इसी के कारण जो देश में इस समय उथल पुथल जो हो रही थी, अब भगवान श्री कृष्ण का भी उत्सव आ गया है और चल रहा है। जो हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जो पूर्ण चल रहा है, माँ गौ माता की कृपा से ये सब हो रहा है और सनातन प्रेमियों के लिए ही पूरे देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए गौ माता पूजनीय है। और प्रार्थना है सभी से आज के इस पावन पर्व पे कि गौ माता की सेवा करें, हरी चारा चारा खिलाएं और सनातन धर्म की जय करें। बोलो भारत माता की जय। श्री कृष्ण महाराज। देखिए, ये थे हमारे साथ जो कार्यक्रम के यहाँ जो महाराज थे। लगातार हम ऐसी खबरों के साथ आपके साथ अपडेट रहेंगे। देखते रहिए बरेली रहते हैं।